काफ़ी अच्छी अच्छी वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेगी। जो भी लोग चंडीगढ़, तो गाइज़ आज हम आपको सैर कराने वाले हैं एशिया के नंबर वन कैक्टस पार्क में, और यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस। सामने से आपको एक टिकट काउंटर मिलेगा जहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी 10 रुपये की, और उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी अंदर। तो यहाँ से सामने टिकट काउंटर है। तो गाइस यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं आप कि जो कैक्टस गार्डन है वो कैक्टस के पौधों को शुष्क स्थानों में पानी की कमी में उगाए जाते हैं, उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ, मतलब बड़ा सिंपल सा दिया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ से एंट्री है, जो इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री होते थे 1992 में, जिन्होंने किया था। देखिए बहुत ही सुंदर पत्थरों के ऊपर ये बनाया हुआ है। तो यहाँ से देखिए आपको कैक्टस दिखना शुरू हो जाएंगे। ये एशिया का नंबर वन कैक्टस गार्डन है, और मैं आपको दोनों साइड का नज़ारा दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो एशिया की सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ कैक्टस की आपको यहाँ मिलने वाली है। पंचकुला के सेक्टर 5 में लोकेटेड है। कोई भी घूमने आ रहा है तो आराम से इसको फाइंड आउट कर सकता है, क्योंकि बस स्टैंड से हार्डली ये 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आता है यहाँ। तो यहाँ पर आप कैक्टस की वेराइटीज़ देखिए, बहुत सुंदर सुंदर वेराइटीज़ हैं कैक्टस की। नाम मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का इतना ज़्यादा नहीं नॉलेज है। तो यहाँ पे सुमन पिक्चर्स क्लिक करते हुए, तो आप देख सकते हैं बहुत अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पे आपको एशिया की सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ देखने को मिलेगी कैक्टस की। तो हम यहाँ पे कुछ नेम्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एम एल्बिंटा आप देख सकते हो, कैक्टस का जो नाम दिया हुआ है, तो एम नोविसो निवोसा, सॉरी थोड़ा इंग्लिश ठीक नहीं है, आप समझ जाना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये कैक्टस देखिए आप, क्या कैक्टस है। जो कैक्टस लवर्स हैं तो उनके लिए वीडियो ये स्पेशल होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियोस में आपको काफ़ी कैक्टस दिखने वाले हैं। देखिए इस कैक्टस को देखिए गाइस, और ऊपर वो पक्षी देखिए, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ मैं बैठ के एंजॉय करता हुआ। तो इसको पूरा सपोर्ट दिया हुआ है, और ये भाई साहब हमारे साथ ही, हाँ भाई कहाँ जा रहे हैं, तो ये भी हमारे साथ घूमने के लिए आए हैं आज गार्डन में। तो यहाँ पे आप फाउंटेन्स का नज़ारा देख सकते हैं। तो सुमन यहाँ एक्सप्लोर करती हुई कैक्टस को, सुमन कैसा लग रहा है गार्डन? अच्छा है, काफी अच्छा है, मैं तो बहुत बार आई हूँ यहाँ पे ना। तो गाइज आज सुमन हमें पूरा गार्डन का विजिट कराने वाली है, आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली है कि ये गार्डन एशिया का नंबर वन गार्डन है, और वी आर लक्की कि हम पंचकुला में रहते हैं, तो हमारे लिए ये बिल्कुल नियर बाय है। जो आज हम वीडियो बनाने आए हैं सिर्फ आपके लिए आए हैं कि आप लोग इसको देख पाओ। तो ये देखिए किसी को डेडिकेट किया हुआ है ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखा रहे हैं कि आप कैक्टस को बिल्कुल क्लोज व्यू में देख पाएँ। काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं कैक्टस की यहाँ पे, तो चलो उधर से चलते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छी वेराइटीज़ है जो इनसाइड भी रखी हुई हैं। यहाँ पे इनकी स्पेशल केयर होती है, इनकी स्पेशल जो वेराइटीज़ को यहाँ पे पहले ग्रो किया जाता है स्मॉल लेवल से, फिर इनको बाहर लगाया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनसाइड कैक्टस काफ़ी लगे हुए हैं। चारों तरफ का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं हम जल्दी में। तो यहाँ पे सारे इनसाइड कैक्टस देखने को मिलेंगे आपको। वन मोर प्लेस जहाँ पे इन्होंने कैक्टस को तैयार किया हुआ है, आप देख सकते हैं, मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल कैक्टस हैं जो हर तरफ आप देख पाएंगे। तो इन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन में रखा हुआ है इनको, पूरा कूलर वगैरह लगा के इनकी केयर की जाती है।
तो स्पेशल वैरायटीज हैं कैक्टस की, हैं तो कुछ बोन साइज भी आप देख सकते हैं जो पाथवे पे इन्होंने रखी हुई है। और यहाँ पे वाटर का इन्होंने एक फ्लो के लिए पाथवे बनाया हुआ है जो काफ़ी मनमोहक सा नज़ारा दिखा रहा है यहाँ का। तो अभी हम सेकंड साइड चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं आपको कैक्टस गार्डन का। हमने एक कॉर्नर अभी एक्सप्लोर किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी वैरायटीज मिल रही है। यहाँ स्पेशल इन्होंने वो सैंड तैयार की हुई है स्टोन मिक्स करके, जिसमें आपको कैक्टस दिखेंगे। तो थोड़ा सा आपको मैं स्लो मोशन में दिखा देता हूँ, मैं काफ़ी सुंदर वैरायटीज हैं कैक्टस की हैं। तो इसको एशिया का नंबर वन कैक्टस गार्डन बोला जाता है यहाँ पे, क्योंकि कैक्टस की काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटीज आपको देखने में मिलेगी। जो भी लोग चंडीगढ़ ट्रैवल कर रहे हैं तो वो पंचकुला इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, एडजॉइनिंग चंडीगढ़ है पंचकुला एरिया। तो ये कैक्टस गार्डन में स्पेशल आके आप ये अद्भुत कैक्टस की वैरायटीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सुमन भी वहाँ देखिए एक्सप्लोर करती हुई आ रही। सो गाइस देखिए सुमन अभी यहाँ पे एक्सप्लोर करती हुई, तो यहाँ पे छाया में अभी हम धूप में घूम रहे हैं तो इसको छाया मिल गई है। तो ये काफ़ी बड़े बड़े कैक्टस लगे हुए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे छाया में ये पूरा एक्सप्लोर कर रही है इसको। सुमन आपको बेस्ट कैक्टस कौन सा लगा अभी तक का जो देखने को मिल रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छा पाथवेज बनाए हुए हैं घूमने के लिए, तो हम आपको पूरा कैक्टस एक्सप्लोर करके दिखा रहे हैं, पूरा हम विज़िट कर रहे हैं। थोड़ा सा मेंटेनेंस का मेरे को लग रहा है अभी कि मेंटेनेंस हो सकता है, रेनी सीजन है अभी तो इसलिए नहीं की हुई है। हमें छोटा सा इन्होंने एक लेक टाइप व्यू दिया हुआ है, तो एवरीवेयर यू फाइंड द कैक्टस। तो देखिए यहाँ पे कुछ बर्ड्स भी हैं जो इंजॉय कर रही है। ये काफ़ी अच्छा इन्होंने एक लेक व्यू बनाया हुआ है, स्मॉल सी लेक है। तो यहाँ पे पास भी मिल जाएगा आपको, उधर तो काफ़ी अच्छे ट्रीज दिख रहे हैं। चलो हम इसको क्रॉस करते हैं यहाँ से। ये कुछ अलग वैरायटीज आ गई हैं कैक्टस की यहाँ। सो गाइस देखिए यहाँ पे कुछ अलग तरह का कैक्टस है, ये बिल्कुल अलग वैरायटी है, इस पर कांटे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मैक्सिमम मतलब 2000 प्लस कैक्टस की वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी इस गार्डन में। जो कैक्टस लवर्स हैं दे कैन एक्सप्लोर इन बेटर वे, उनको मालूम रहता है कि क्या क्या वैरायटीज इसके अंदर आती हैं। मैं सारे नाम रीड नहीं कर सकता हूँ, बट एक जो कॉमन कैक्टस मुझे दिख रहा है, ये वाला कैक्टस मुझे काफ़ी दिखे हैं, ये वाले कैक्टस भी मुझे काफ़ी दिखे हैं, तो ये भी दिख रहे हैं। तो सामने फिर एक इंडोर का इनका आ जाता है प्लांट। तो कुछ सीटिंग एरियाज भी इन्होंने बनाए हैं, काफ़ी अच्छा गार्डन मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे अगेन इन्होंने इनसाइड प्लांट्स को ग्रो करने के लिए अरेंजमेंट्स किए हैं। ये देखिए यहाँ भी काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। तो ये देखिए गाइस उन्होंने इंटरनल्स पूरे अरेंजमेंट किए हुए हैं, काफ़ी सुंदर गार्डन है देखिए यहाँ पे। तो देखिए चारों तरफ आपको कैक्टस दिख जाएंगे, काफ़ी बड़े बड़े कैक्टस हैं। तो यहाँ पे आपको नेचुरल एक ब्यूटी जो एक्सप्लोर होके आती है वो दिखने को मिलेगी, और बर्ड्स की भी आवाज़ आपको सुन रही होगी। तो काफ़ी बर्ड्स हैं यहाँ पे, तो एक इनसाइड का व्यू देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू बनता है। ये देखिए ये इनसाइड इन्होंने बनाया हुआ है, इसके अंदर फिश भी हैं, कलरफुल फिश अगर आप देख सकते हो। ये देखिए बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखा रहा हूँ, तो सामने आपको कैक्टस की वैरायटीज देखने को मिलेगी, बहुत ब्यूटीफुल कैक्टस रखे हैं सारे देखिए। तो ये एक सुंदर सा पाथवे बना हुआ है, यहाँ देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स आए हैं कैक्टस के ऊपर, बहुत ही अद्भुत सा नज़ारा है यहाँ पे कैक्टस गार्डन का। तो सुमन
इंजॉय करते हैं कैक्टस गार्डन का। देखिए फ्लावर्स, कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिख रहे हैं, और नीचे फिश। तो कूलर्स वगैरह लगे हुए हैं प्रॉपर, ये हैं एग्जॉस्ट लगे हुए हैं कैक्टस को, जो एनवायरनमेंट थी उस एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे अलग वेराइटी दिखेगी कैक्टस की आपको, तो ये वेराइटीज़ आप देख सकते हो कैक्टस की। तो यहाँ पे काफ़ी आपको स्टोन मिलेंगे देखने को। तो देखिए गाइस, अभी हम जो बैलेंस पार्क का विजिट है वो हम ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जाते हुए, यहाँ से आप ये कैक्टस देखिए, आप कितना गजब लग रहा है ये। यहाँ पे भी यहाँ थोड़े कॉमन कैक्टस देखेंगे क्योंकि ये एंट्रेंस पे है, अभी हम एग्जिट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इधर सामने देखिए, सामने भी आपको जो सेंटर में जो कैक्टस दिख रहा है वो बिल्कुल अलग ही टाइप का कैक्टस है। नीचे से बिल्कुल ड्राई सा दिख रहा है, उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन आपको देखना, ये वाला दिस वाला काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। यहाँ से आपको ज़्यादा बेटर व्यू दिख रहा है क्योंकि उधर से सनलाइट आ रही होगी, तो गार्डन का पूरा व्यू बनता हुआ। तो गाइज आपके लिए इतनी गर्मी के अंदर हम इसको एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, सो देट आपको बेटर व्यू मिल पाए। हमने टू अटैम्प्ट किए हैं, और यहाँ पे देखिए कमल के ये फूल डाले हुए, फूल नहीं लगे हुए, बट देखिए हमें फिश भी है। तो अभी हम एग्जिट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से एग्जिट करेंगे और यहाँ से गार्डन का नज़ारा देखिए आप। एक ऑलमोस्ट 2 या 3 एकड़ में गार्डन बना हुआ है, और बोला जाता है कि एशिया का नंबर 1 कैक्टस गार्डन है। 2000+ वेराइटीज़ हैं इस कैक्टस गार्डन के अंदर। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी को कैक्टस गार्डन विज़िट करना है तो मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और इसको विज़िट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना हम, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आने वाले हैं। तो अभी कैक्टस गार्डन से निकलते हैं और चलते हैं, और उम्मीद करता हूँ इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ आपको कैक्टस गार्डन का नज़ारा काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो गाइस आज के लिए अलविदा लेते हैं, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, मौज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।